वेलकम टू डॉक्टर एन पी आर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इम्यूनिटी क्या होती हैं और साथ में देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। इम्यूनिटी जो होती हैं, अगर हम देखेंगे हमारी सराउंडिंग्स जो होते हैं, इसमें बहुत सारे पैथोजेनस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैथोजेनस में क्या आएंगे? पैथोजेनस किनको बोलते हैं? जो डिजीज़ काज करते हैं। ये पैथोजेनस जो होते हैं, ये वायरसेस भी होंगे, या हम इसको बैक्टीरिया भी बोलेंगे, जो हमने अभी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है। बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, या फंगल डिजीज़ होती हैं, या बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। तो ये जो पैथोजेनस जो होते हैं, ये हमें हमारी बॉडी में बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ काज करते हैं। लेकिन अब मसला ये है, ये जो डिजीज़ जो होती हैं, इनसे हमें अपनी बॉडी जो होती हैं, इनसे हमें बचाती हैं अपनी बॉडी। वो किस तरीके से बचाती हैं अपनी बॉडी इन डिजीज़ से? हमारे बॉडी में क्या होते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना? डिफरेंट ऑर्गन्स जिनको हमें आगे पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्प्लीन हो गया है, थाइमस हो गया है, बोन मैरो हो गया। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, ये एक कलेक्टिव एक सिस्टम बोलते हैं, जिसको बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? ये हमें इन पैथोजेन से बचाता है, मतलब इनसे हमें रजिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक पैथोजन रह सकता है ना, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी होगा तो वो होस्ट होगा। तो होस्ट की जो एबिलिटी जो होती है, या उसका जो एबिलिटी किस चीज़ की? रजिस्ट करने के लिए, मतलब किस चीज़ को रजिस्ट करेगा? डिफरेंट इन्फेक्शस डिजीज़ को, जो ये पैथोजेनस काज करते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे शॉर्ट में इम्यूनिटी। और वो जो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनस होते हैं, जो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी जो होता है, जब हम पैदा होते हैं, जैसे हमने जन्म लिया है, उस टाइम पे क्या होता है, जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी, ठीक है ना? तो इसको हम, इस इनेट इम्यूनिटी को दूसरे नाम से भी बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी। या ये जो इम्यूनिटी जो होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए नहीं होता है, ये ओवरऑल मतलब जनरल हमें ये प्रोटेक्शन कर देता है। ये एक खास, मतलब डिप्थेरिया हो गया, टीबी के लिए ये प्रोटेक्ट करेगा। ये एक पर्टिकुलर जो है ना, इनेट इम्यूनिटी जो है ना, ये हमें पर्टिकुलर डिजीज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ये इम्यूनिटी जो होती है, इनेट इम्यूनिटी, ये किस तरीके से हमें प्रोवाइड, हम बॉडी प्रोवाइड करते हैं? डिफरेंट बैरियर से। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल बैरियर होता है, स्किन होता है। जैसे ये स्किन होता है, तो ये स्किन जो है ना, हमारे बॉडी में ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट पैथोजेन से। मतलब अगर ये स्किन नहीं होगा, सीधा हमारा ब्लड में कोई पैथोजन प्रिवेंट, मतलब एंट्री कर सकता है। म्यूकस होता है, म्यूकस होता है डिफरेंट पार्ट्स में, लाइनिंग में, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लाइनिंग्स में होता है। तो ये म्यूकस भी जो होता है, ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनस होते हैं, वहाँ पे एक, मतलब वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। या हम देखेंगे हमारे इंटेस्टाइन्स में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, या हम देखेंगे यूरिथ्रा में, या डिफरेंट वेजाइनल ओपनिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, ओपनिंग मतलब म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, वो म्यूकस जो होता है, वो ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देते। तो ये म्यूकस जो भी है, या हम बोलेंगे स्किन जो होता है, तो ये किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी में आती है? इनेट इम्यूनिटी में। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होते हैं? हमारे स्टोमक जो होते हैं, वहाँ पे HCL होता है, तो वो क्या करते हैं, खाने के साथ अगर कोई पैथोजन होगा, माइक्रोब होगा, उसको वो मार देगा, ठीक है ना? इसी, या टीयरस होते हैं, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है टीयरस में, आँखों के टीयरस में। तो जैसे हमारे आँखों में कोई बैक्टीरिया चला जाएगा, तो
तो वो एंजाइम जो होते हैं लाइसोजाइम, वो क्या करेगा, उसको किल करेगा, या सलाइवा, सलाइवा अभी भी हमें प्रोटेक्शन कर देता है। नेक्स्ट क्या होते हैं, सेलुलर बैरियर्स। कुछ सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल WBCs होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, या मोनोसाइट्स होती हैं। ये NK, मतलब NK का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है ना। ये मैक्रोफेजस होती हैं, ये भी डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेनस को, माइक्रोब्स को, ठीक है ना। तो ये भी सेलुलर बैरियर्स भी आता है किसमें, इनेट इम्यूनिटी में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट होता है साइटोकिनेस, यहाँ पे हम जनरल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको इम्पॉर्टेंट मतलब और डिस्कस करेंगे हम इन साइटोकिनेस को। साइटोकिनेस क्या होते हैं, प्रोटीनस होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रोटीनस, जो हेल्प करते हैं हमें, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रोफिल सेल होगा तो इसको, इसकी मूवमेंट को, इसको मूव करने में हेल्प कर देता है, कहाँ पे, जहाँ पे कोई साइट, इन्फेक्शन साइट होगा। तो इन न्यूट्रोफिल्स या कोई और सेल होगा इम्यून सेल को, उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा उस केमिकल को, क्या हम बोलेंगे, साइटोकिनेस, ठीक है ना। साइटोकिनेस क्या होता है, ये हेल्प मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सेल्स को, इम्यून सेल्स, जो इम्यूनिट इम्यून होता है उसके, उसमें जो सेल्स होते हैं उनकी सेल्स को डिफ मतलब इन्फेक्शन साइट या इन्फ्लेशन इन्फ्लामेशन साइट पे मूव करने में हेल्प कर देता है। इसके लिए, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये सब जो है ना, प्रोटेक्शन जो होता है, ये किस में आएंगे, इनेट इम्यूनिटी में। नेक्स्ट जो होता है एक्योर, मतलब क्या होता है, जैसे हम आगे बढ़े, आगे हम मतलब जन्म लिया है, हमें कॉमन कोल्ड हो गया या कोई डिप्थीरिया हो गया, तो उससे क्या होता है, हमें एक तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड हो मतलब होती हैं। मतलब अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम पे जो उसका कॉमन कोल्ड हुआ है वो कम होगा, ठीक है ना। पहला वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर सपोज पहली टाइम पे किसी को कॉमन कोल्ड हो गई या कोई और इन्फेक्शन अगर होगा, तो उस टाइम पे अगर उसको 7 दिन लग गए ठीक होने में, मतलब नेचुरली, नेक्स्ट टाइम पे जो इसको इन्फेक्शन होगा ना, उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे उस डिजीज़ के लिए हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। इसलिए दूसरे टाइम पे क्या होता है, 2 ही दिन में वो ठीक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, वो इम्यूनिटी जो होती है वो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फॉर एग्जाम्पल कोविड की बात हम करेंगे, कोविड जो होता है, कोविड-19 जो होता है, जब हमें क्यों वैक्सीन देते हैं पहले, या जिसको पहले कोविड हुआ था बाद में उसको इतना दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब अगर कभी दूसरा इन्फेक्शन भी कोविड के जैसे दूसरा वायरस का भी इन्फेक्शन हो गया तो उसको इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनाए। एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी बनाए, वो एंटीबॉडीज़ हमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होता है, ये हमें मतलब हर ओवरऑल प्रोटेक्ट नहीं करती, एक पर्टिकुलर एक ही डिजीज़ के लिए, अगर कोई इम्यूनिटी होगी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब हर पैथोजन के लिए एक हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना, हर तरह का जो इकट्ठे, हर कॉमन कोल्ड या डिप्थीरिया, अलग अलग ये मतलब स्पेसिफिक होता है, हर पैथोजन के लिए अलग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये हमें मतलब खुद नेचुरली हमारे में ये आती है, ये इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें कि जिस, जैसे मैंने बोला था, अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ था पहले, दूसरी टाइम पे क्या होता है, दूसरी टाइम पे उसको, अगर पहले टाइम पे उसको 7 दिन लग गए रिकवर होने में, दूसरी टाइम पे उसको 2 दिन लगते हैं, तो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही एंटीबॉडीज़ बन गए, ठीक है ना। तो वो एंटीबॉडीज जब बनते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को पता चलता है ये हमारा इस तरीके का अटैक ऑलरेडी हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम पे जो कोई दूसरा मतलब वही इन्फेक्शन जब नेक्स्ट टाइम होता है तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर होता है हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं मेमोरी, क्योंकि ये
मतलब ये ऑलरेडी हमारा इम्यून सिस्टम ये एंटीबॉडीज़ बना चुका होता है, जैसे वो नेक्स्ट टाइम पे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको वो फट से वो ख़त्म कर देता है। तो जो पहला वाला जो अटैक होता है, जो मतलब बहुत देर तक एक पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प कर देता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स, ठीक है ना। जब नेक्स्ट टाइम पे जो अटैक होगा उस इन्फेक्शन का, कम मतलब बहुत कम टाइम लगता है उसमें, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होते हैं ये इसी में आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है ना। जो प्राइमरी वाला होता है वो क्या होता है, वो देर मतलब बहुत लंबा होता है, इंटेंस होता है। अगर हम सेकेंडरी देखते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, वो लो होता है, मतलब इसमें सेकेंडरी रेस्पॉन्स में क्या होता है, बहुत कम टाइम लगता है रिकवर होने में, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।